कान्हा चीन मार्ग पर पानी की निकासी ना होने के कारण सड़कों पर हर समय पानी भरा रहता है, जिससे सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं। लोगों का कहना है कि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि एक सड़क को टूटे हुए कई माह बीत गए हैं, उसकी मरम्मत तक नहीं कराई जा रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग संबंधित विभागों के अधिकारियों को बार बार सड़क ठीक कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। परेशान है सब लोग, जितने भी आ रहे हैं, कोई गाड़ी फंस जाती है, कोई कुछ होता है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। पानी भरा हुआ और ऊपर से सड़क टूटी हुई है, गड्ढे हैं, एकदम से पता नहीं चलता, कोई भी बस या गाड़ी एकदम से अंदर जाती है, चोट लगने का डर रहता है ज्यादा। इधर से आ रहे हो, अभी देख रहे हैं ये रोड टूटा, क्या दिक्कतें मान रहे हैं? दिक्कत सी ये रोड बहुत टूटे हुए है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है अब की बार। ठीक है ना, तो ये रोड ना मुंदपुर वाला रोड, सारे के सारे खराब हो गए हैं। ठीक है, साल हो गए, बहुत ही दो साल हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी का क्या हालत है। ठीक है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को दो विभागों की खींचतान के चलते पलीता लग रहा है। पानी की निकासी ना होने से जहां सड़क पर कीचड़ व गंदा पानी भरा रहता है, वहीं गंदे पानी से महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। नगर परिषद द्वारा सफाई पर खर्च किए जा रहे लाखों रुपए भी पानी में बह रहे हैं। गोहाना जींद रोड पर अनाज मंडी होने के कारण रोजाना सैकड़ों वाहन यहां से गुजरते हैं, जिससे किसानों व व्यापारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंडी में आने वाले किसानों व आढ़तियों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग व जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा। इसमें यहाँ भाई इधर देख के बोले, इसमें यहाँ बरसात में पानी, हर बार बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता, कोई नाले की व्यवस्था नहीं, मंडी की आड़ती और ये जो दवाइयों की दुकान है बराबर में काफी परेशान है। इतनी परेशानी है, आगे कल तो यहाँ एक गाड़ी पलट गई थी, जान का खतरा भी आड़ती, घर से आते हैं और आगे यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह फंस जाती है और पड़ जाते हैं, बार बार दोबारा परेशान होकर घर जाना पड़ता है। प्रशासन से बार बार मैंने नथाराम सैनी जो मंडी के नए चेयरमैन है उनसे भी शिकायत करी, रामचंद्र जांगड़ा से भी और क्या नाम है मंडी सेक्रेटरी से भी, मगर कहीं भी सरकार में किसी आम आदमी की या कोई व्यापारी भाई की किसी की सुनाई नहीं। क्या दिक्कतें हैं? इस बारे में गोहाना की एसडीएम सुभिता ढाका ने बताया कि टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बोला गया है और बारिश की वजह से सड़कों पर खड़े होने वाले पानी को लेकर भी अधिकारियों को बोला गया है। सड़कों के लिए एक्सीएन बीएनआर को, एसडीओ को, सबको हिदायतें हैं कि सड़कें टूटी हुई ना हो, उनकी रिपेयर टाइमली हो, और बारिश के समय में तो और भी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आती हैं। तो जो नाले हैं, कई जगहों पे नाले हैं, उनका लेवल सही नहीं है या नाले ब्लॉक भी हुए पड़े हैं, इस वजह से सड़कों पे पानी इकट्ठा हो रहा है। तो म्यूनिसिपैलिटी और बीएनआर दोनों मिलके उसका इंतजाम कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ पे इंजन से पानी को लिफ्ट करके और नालों में डालने के लिए उनको आदेश दे दिए गए। थाना से सुनील जिंदल के साथ आज न्यूज़।